कुछ महीनों की राहत के बाद दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों ने फिर से चिंताएं बढ़ा दी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 3 तिमाहियों में सबसे कम रही। हालांकि रेटिंग एजेंसी मूडीज एनालिटिक्स का मानना है कि जीडीपी ग्रोथ में यह नरमी तात्कालिक है और भारत की अर्थव्यवस्था जल्दी ही वापस रफ्तार पकड़ लेगी। मूडीज ने उभरते बाजारों के परिदृश्य पर जारी अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर पर चर्चा की है। मूडीज का कहना है कि पिछले साल के अंत में जीडीपी ग्रोथ रेट में आई कमी तात्कालिक है। यह नरमी मांग पक्ष के दबावों को दूर करने में मदद कर रही है। मूडीज का कहना है कि अभी घरेलू अर्थव्यवस्था ही वृद्धि दर के लिए इंजन का काम कर रही है और इसमें सुधार आने की गुंजाइश है। बाहरी कारकों को देखें तो यहाँ भी भारत के लिए अनुकूल तस्वीर उभर रही है। अमेरिका और यूरोप में अच्छी रिकवरी हो रही है जो भारत की वृद्धि दर के लिए मददगार है। अमेरिका और यूरोप भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में हैं। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि आर्थिक वृद्धि दर में दिसंबर तिमाही के दौरान आई नरमी बहुत समय तक नहीं टिकने वाली है। आधिकारिक अनुमान को देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7% की दर से वृद्धि कर सकती है। हालांकि दिसंबर तिमाही की नरमी ने इस अनुमान को थोड़ा मुश्किल बनाया है। अगर अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2023 के दौरान 5% की वृद्धि दर हासिल करने में कामयाब रहती है तो पूरे वित्त वर्ष के लिए आधिकारिक अनुमान को हासिल कर पाना संभव हो जाए।